श्राद्ध, विक्रमजीत, नूर, माँ समेत तीनों बच्चों को रात भूखे ही सोना पड़ा था। बच्चों का बाप देर रात तक काम से वापस नहीं आया था। उसके आने पर ही चूल्हा गर्म होने की संभावना हो सकती थी। एक सेठ के मकान की खुली छत पर टीन की छत वाली बरसाती में यह परिवार बसर कर रहा था। बड़ा बेटा आज कुछ जल्दी ही चल गया था। भांति भांति के स्वादिष्ट पकवानों की महक जैसे उसकी सांसों द्वारा उसके पूरे जिस्म में समा गई थी। लड़के ने उठते ही बड़ी शिद्दत से पूछा, माँ यह खुशबू कहाँ से आ रही है? बेटे, नीचे सेठ जी अपनी माँ का श्राद्ध कर रहे हैं। श्राद्ध क्या होता है माँ? लड़के की उत्सुकता और बढ़ गई। माँ ने विस्तार से समझाते हुए कहा, हर वर्ष ब्राह्मणों को खीर, पूड़े, हलवा तथा तरह तरह का भोजन खिलाया जाता है, साथ में दान पुण्य भी किया जाता है। ब्राह्मणों को खाना क्यों खिलाते हैं माँ? इसलिए कि स्वर्ग सिधार चुके उनके पितरों तक यह खाना पहुँच सके, माँ ने बेटे के पास बैठते हुए कहा। आज सेठ ये सभी पकवान स्वर्ग में बैठी अपनी माँ के पास भेज रहा है। हैरान होते हुए बेटे ने पूछा, माँ इतनी दूर? लड़के ने अपना बाजू आकाश की ओर कर हाथ की उंगली भी सीधी कर दी। हाँ बेटे, इतनी दूर। लड़का थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, फिर उसने आंखें फैलाते हुए होठों पर जीप फेरी और मुस्कुरा कर बोला, माँ जाते जाते थोड़ा हलवा व पूड़े अपनी छत पर गिर जाए तो मज़ा आ जाए। माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। रिश्ते, सुरेंद्र केले। किसका फोन था? मेरे भाई का। तुम्हारे दोनों भाई तो अभी कल ही मिलकर गए हैं। हाँ, मगर यह मेरे तीसरे भाई का फोन था। यह तीसरा भाई कहाँ से आ गया? यह मेरा धर्म भाई है। धर्म भाई? हाँ वही मैरून पगड़ी वाला जो हमारी शादी में खूब काम कर रहा था। कोई धर्म भाई नहीं होता, ये सब रिश्ते धोखा। बस चुप, जीती ने अपने पति को रोष में कहा। मैं ऐसे संबंधों को नहीं मानता। बहन भाई की ये नकली रिश्ते आंखों में धूल झोंकने के लिए ही होते हैं। इस आड़ में चुप भी करोगे या नहीं? जीती पूरे रोष में आ गई थी। वह अपने इस पवित्र रिश्ते पर अपवित्र शब्दों की धूल नहीं पड़ने देना चाहती थी। उसकी कठोर आवाज़ ने पति को खामोश कर दिया, मगर मन में इस रिश्ते के विरोध का लावा उसे तड़पा गया। जीती के विरुद्ध पत्थर सरीखे शब्दों की वर्षा को जबरदस्ती रोकते हुए वह कमरे से बाहर हो गया। जीती ने स्वयं को अपमानित महसूस किया। वह फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ देर बाद वह संभली तथा सोचने लगी, ये कच्चे धागे वाले रिश्ते इतने कमज़ोर नहीं होते कि किसी शक्की स्वभाव वाले व्यक्ति के अपमान भरे शब्दों से टूट जाएं। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ जो इतनी जल्दी खींच गई। अब वह शांत थी तथा सोच रही थी, जिस व्यक्ति से अभी कुछ दिन पहले ही मेरा विवाह हुआ है और जिसने मुझे ही नहीं जाना, वह मेरे रिश्ते को क्या समझेगा? एहसास, जगदीश राय कुलरिया। बहुत दिन हो गए थे वह अपने पिता से नहीं बोल रहा था। रहते तो दोनों एक ही घर में थे, लेकिन दोनों में कोई बातचीत ना होती थी। इस बारे में परिवार के दूसरे सदस्यों को भी पता था। एक दिन उसकी दादी ने पूछ ही लिया, बेटा तू अपने पिता से क्यों नहीं बोलता? आदमी के तो माँ बाप ही सब कुछ होते हैं। तेरे लिए कमा रहा है, उसने क्या अपने साथ ले जाना है? दादी की बात सुनकर वह बोला, अम्मा तेरी सब बातें ठीक हैं, मुझे कौन सा कोई गिला शिकवा है। मैं तो उन्हें केवल एहसास करवाना चाहता हूँ। वे भी तो दफ्तर से आकर सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं,
तुम्हारे साथ एक भी बात नहीं करते।